बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ चार अनोखी खोज। आप पहले ही अनोखी खोज पढ़ चुके हैं, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम पाठ चार अनोखी खोज की पुनरावृत्ति करेंगे, पुनरावृत्ति अर्थात फिर से समझेंगे। संध्या का समय, संध्या का अर्थ होता है शाम, शाम का समय। बच्चों इस पाठ में शाम के समय का वर्णन किया गया है। बच्चा संध्या का समय था और उस समय एक बच्चा खेल रहा था। लड़के का बगीचे में गेंद से खेलना। बच्चा अपने सारे काम खत्म करके शाम को एक गेंद लेकर जाता है अपनी और बगीचे में क्या है खेलने लग जाता है। जैसे वो गेंद से खेल रहा था तो उसकी गेंद कहाँ अटक जाती है, पेड़ की लताओं में। ये क्या है बच्चों, पेड़। ये पेड़ है और उस पेड़ के ऊपर क्या है, लताएं। लताओं का अर्थ क्या होता है, बेलें। आपके घर के आसपास भी बेलें लगी होगी ना, तो उस पेड़ की लताओं में ये जो गेंद है वहां जाके अटक जाती है। अब बच्चा उस गेंद को उतारने की कोशिश करता है। बच्चों आपकी गेंद भी कभी खेलते हुए कहीं अटक जाती है तो आप भी उसे उतारने की कोशिश करोगे। बच्चा भी उस गेंद को उतारने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे अभी गेंद उतर नहीं रही थी। वो फिर कोशिश कर रहा था तो इतने में बच्चे की माँ आ जाती है। माँ का समझाना। अब बच्चे की माँ उसे समझाती है कि बेटा शाम का समय हो गया है, शाम के समय पेड़ों को हाथ नहीं लगाते, पेड़ों को छेड़ते नहीं हैं, शाम के समय पेड़ पौधे विश्राम करते हैं अर्थात ये भी आराम करते हैं, इसलिए शाम के समय पेड़ों को छेड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चे के दिमाग में ये बात आती है, क्या पेड़ पौधे भी सोते जागते हैं, क्या ये भी सांस लेते हैं, ये भी भोजन खाते हैं, ये भी हमारी तरह सोचते हैं, इनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। बच्चे के दिमाग में इस तरह के कई सवाल चल रहे थे। ठीक है बच्चों, अब बच्चा इन सवालों के जवाब ढूंढने लग गया। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो बच्चे के दिमाग में ये जो प्रश्न थे ये घूमते रहे और इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए बच्चे ने पेड़ों से संबंधित यानी कि पेड़ पौधों में भी जान होती है, ये भी सांस लेते हैं, अपनी खोज करनी शुरू कर दी। बच्चा अनेक खोजें करता रहा करता रहा।